अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हर तरह की परेशानी उससे महफूज रखे, आमीन। और जी, आज का व्लॉग मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ और नाश्ते में मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, मज़ेदार से, क्रिस्पी से। और साथ मैंने बनाया धनिया पुदीने वाला रायता और दही, सिंपल दही है ये साथ। और मैंने बनाई है कड़क चाय, जो पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम पराठे और गर्मा गर्म चाय। तो अब हम करते हैं यहाँ पे नाश्ता और आज जाना है मार्केट। तो तकरीबन 2 बज रहे हैं, हम 2 बजे नाश्ता कर रहे हैं। रूटीन हमारी हो चुकी है ख़राब कितने दिनों से, रमज़ान के बाद अभी तक हमारी कोई रूटीन नहीं बन रही। हम डेली 2 बजे उठते हैं और 2 बजे ही नाश्ता हो रहा होता है हमारा, तो ये सही नहीं है। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रूटीन चेंज करूँ, तो अभी तक तो हुई नहीं है। तो बस अब चलते हैं मार्केट नाश्ते के बाद। तो ये हम आ चुके हैं मार्केट और आज हस्बैंड ने देना है मुझे ईद का गिफ्ट ईद के बाद। तो आए हैं हम जरीर बुक सेंटर, तो यहाँ से हस्बैंड ने मुझे लेके देना है गिफ्ट। तो अब देखते हैं अंदर के क्या हालात हैं, क्या मिलता है। तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए साबी व्लॉग्स।
और जी अब हम पहुंच आए हैं घर और हस्बैंड ने मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेके दिया है और इसको करते हैं अब हम अनबॉक्स। और जी ये है मोबाइल गैलेक्सी 51 जो मार्केट में अब नया आया है और बहुत ही प्यारा है। और ये तीन कलर्स में था, एक बेबी पिंक और ये सी ग्रीन कलर और एक ब्लैक था, तो मुझे ये सी ग्रीन कलर बहुत ही प्यारा लगा है तो मैंने ये कलर लिया है। और बहुत शुक्रिया मार साहब, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। और साथ इसके ये चार्जर और हैंड फ्री और इसका कवर भी इसके साथ मिला है, पर मैंने एक्स्ट्रा भी एक कवर लिया है क्योंकि मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना था तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है ग्लास जो अभी इसके ऊपर लगाएंगे। और ये है मेरे ईद का गिफ्ट जो मिला है मुझे ईद के बाद और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यही सारा इसके साथ यही सब कुछ मिला लेके आई हूँ मैं। और इसके बाद हमने लिया था खाना, गिफ्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप बताइएगा कि कैसा है मेरा गिफ्ट। और ये हम लेके आए थे खाना और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये है यहाँ की मशहूर डिश खब्सा। इसके साथ आए हैं ये राइस बहुत ही मज़ेदार और साथ इसके है ये ग्रिल किया हुआ चिकन जो बहुत टेस्टी होता है। और साथ ही इसके ये आई है टोमेटो चटनी बहुत मज़ेदार। तो अब हम ये मज़ेदार सा डिनर करते हैं इंजॉय। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।